नमस्कार, आज जिला सिरमौर के पिताउधार में हम लोग एक स्वर्ण महासम्मेलन में आज शिरकत करी और जहां पर आज हमारे पूरे के पूरे चाहे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की टीम, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन की टीम, स्वर्ण मोर्चा की टीम ने आज एक सफल स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भाई सोनू ठाकुर जी और सुनील ठाकुर जी का विशेष योगदान रहा। आज जहाँ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का नाम पंजीकृत होने के बाद जहाँ पर हमने अपने लोगों को स्वर्ण समाज के लोगों को पार्टी समर्पित करी और जहाँ पर हमने अपने स्वर्ण समाज के लोगों से एक आह्वान, एक मांग हम लोगों ने करी है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों के बीच में जाने वाली है और जिसके लिए वोट सपोर्ट रोट और नोट के को मानकर हम लोग 62 लाख लोगों के बीच में जाएंगे और यही कामना हम लोग करते हैं कि हर तरीके से 62 लाख लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनाने में इस हिमाचल प्रदेश में अपना अहम योगदान करेंगे और जिनको हम स्वर्ण विरोधी ये जो भाजपा कांग्रेस और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात की हमारे एक मुख्यमंत्री हैं जिनको हम लोग हवा वाले मुख्यमंत्री और एक झूठे मुख्यमंत्री कहते हैं जो मिशन रिपीट का जो सपना लेकर चले हैं और दूसरी तरफ एक जो विपक्ष है जो अपना हाथ सबके साथ की बात करती है। जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण समाज के साथ जो छलावा किया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर इस 2022 के चुनाव में हमारे पास है और 62 लाख लोगों से और साथ में अन्य वर्गों से मैं ये कामना करता हूं कि आप भरपूर साथ हमारा भरपूर सहयोग इस 2022 के चुनाव में देंगे और 2022 में राष्ट्रीय देवभूमि की पार्टी की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भव।